एक तरफ अलकनंदा, एक तरफ भागीरथी, और फिर एक ये मिल के जा रही है गंगा जी बन के। हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। फाइनली केदारनाथ जाने वाला दिन आ गया है। आज हम लोग निकलने केदारनाथ के लिए। टाइम हो रहा है 11:35 PM और आज का हमारा प्लान है, अभी सबसे पहले मुझे फ्यूल फुल कराना है क्योंकि फ्यूल बहुत कम है। हमारा प्लान ये है कि कल हम लोग चोपटा घूम लें। तुंगनाथ टेम्पल है चोपटा में, वहाँ पे भोले बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हमारा प्लान है केदारनाथ जी दर्शन करने का। फिलहाल हम आ गए हैं पेट्रोल डलाने के लिए। पहले बाइक में पेट्रोल फुल कराते हैं, फिर चलेंगे एक्सप्रेसवे पे। और इसमें मैं आपको पूरा खर्चा वगैरह सब बता दूंगा वीडियो में, कहाँ कितना खर्च हो रहा है। 109 रुपए भाई साहब, आग लगा रखी है। प्रीमियम डाल लो सही है। वैसे मोदी जी जो है कमी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से तुम और प्रीमियम दे रहे हो। 1000 का ही कर दो। फुल हो रहा है क्या? फुल हो गया यार 1000 में। फ्यूल हो गया है और फ्यूल हुआ 909 का। एक बार ट्रिप और 0 पे सेट कर देता हूँ। तो ट्रिप हो गई 0 पे सेट और बाइक अपनी पूरी चली हुई है 8024 अप्रॉक्स, 8000 भी अगर मैं मान लूँ तो। देखते हैं कि इस ट्रिप पे कितनी चल जाती है अपनी बाइक। अभी चढ़ चुका हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। जो मुझे फ्रेंड्स मिलने थे उनका मैं पहले वेट कर रहा था, फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे चला जाऊँ क्योंकि जो आगे वाला लेन है वो क्या डायरेक्ट दिल्ली से आ रहा है। यहाँ से ऋषिकेश अप्रोक्स 4 से 4.5 घंटे का डिस्टेंस है। लास्ट टाइम जब मैं ऋषिकेश गया था तो इस एरिया में इतना ज्यादा जाम लगा था, अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे हमारे वेस्ट हो गए थे। बट आज तो ये पूरा खाली मिला है हमें, तो फुली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रात में हम जा रहे हैं तो क्या है कि मेरठ में जो जाम मिलता था या मुजफ्फरनगर में जो जाम मिलता था बहुत ज्यादा, वो भी हमको इस बार नहीं मिलेगा। तो फुली हम टाइम से ही पहुंच जाएंगे। अभी 1 बज रहा है, अगर 1 बज रहा है तो 5, 5:30, 6 बजे तक हमें ऋषिकेश पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ, उनको अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देता हूँ। तो अभी भाई लोग आ गए हैं, तो इतने लोग आ गए हैं, अब चल रहे हैं। और ये राघव मेरठ, अगला प्लान है हमारा मेरठ का। देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। इन लोगों ने एक्चुअली डिनर नहीं किया है तो शायद कहीं पे रुकेंगे। बाकी मोस्टली पार्ट तो हम ऋषिकेश के बाद ही शुरू करेंगे क्योंकि ऋषिकेश से पहले ऐसी ही रोड है और इससे 2-3 बार जा चुका हूँ। नो डाउट रोड बहुत अच्छी है। मेन अपनी जर्नी शुरू होगी केदारनाथ की ऋषिकेश से। आ गए मेरठ टोल प्लाजा पे और यहाँ सबसे अच्छी चीज ये है कि बाइक पे नहीं लग रहा है, इतनी खुशी होती है। वरना कभी यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो फिर लगता है कि साला क्या ही कर रहे हैं लोग, बाइक से कौन लेता है भाई। फाइनली देवभूमि उत्तराखंड, हम लोग उत्तराखंड में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं और अब टाइम हो रहा है 5:20 और लगभग 40 किलोमीटर बचा हुआ है हरिद्वार। तो हमारा प्लान यही है कि जल्दी से जल्दी हम हरिद्वार पहुंचे, उसके बाद माउंटेन शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद रिकॉर्ड करने का, देखने का, दिखाने का मजा ही कुछ और आएगा। भी राघव की बाइक में पेट्रोल नहीं था तो इसकी वजह से यहाँ पे रुके थे हम लोग, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये उनके सोने का टाइम है। नहीं है इधर कार्ड नहीं ले रहा है तो भाई यहाँ पे कार्ड ले नहीं रहा है। बेसिकली ये है कि कहने का तरीका है, अभी तो सो रहे हैं मेरे ख्याल से, इसकी वजह से इन्होंने ऐसा कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे कोई है नहीं। आ गया कोई एक बंदा तो आया यार, एक्चुअली इनका सोने का टाइम है और हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट क्या है हमारी में है नहीं तो हमें तो करना पड़ेगा क्योंकि एक बार फुल करा लें तो हम थोड़ा स्पीड अप होके आगे चलें। निकल लो जितने जल्दी, सबसे इम्पोर्टेंट है ऋषिकेश पार करना क्योंकि ऋषिकेश में ना बहुत ट्रैफिक मिलता है। ये पूरा पतंजलि का इधर है हरिद्वार, मगर आप एंटर करेंगे तो ये पतंजलि का जो मेन एरिया बना हुआ है वो इनका योग पीठ और जो है सारा ही काफी अंदर तक है पतंजलि का, तो ये इसकी पहचान है। मेन एंट्री यहीं से होती है, फिर उसके बाद तो आगे चलते ही जाते हैं। बाकी हरिद्वार मैं 2-3 बार आया हूँ बट बैड लक ऐसा रहता है कि मैं हमेशा नाइट में यहाँ पहुँचता हूँ या फिर ये फर्स्ट टाइम है जो दिन में जा रहा हूँ, मतलब मॉर्निंग में बेसिकली जा रहा हूँ। देखते हैं वहाँ पे अभी कैसा रहता है, इनकेस अगर कुछ मिलता है आरती वगैरह तो देख लेंगे। वैसे सुबह 6 बजे हैं तो हो सकता है 5:30 पे शायद आरती होती है, मिल गई तो ठीक है नहीं तो फिर आगे चलेंगे। इस समय सामने सूर्यदेव और इधर देखो गंगा का फ्लो देखो कितना ज्यादा है, एकदम बहुत ऊपर तक पानी आया हुआ है और काफी अच्छे फ्लो में है, बहुत साफ पानी नजर आ रहा है। हरिद्वार में अभी हम लोग डला रहे हैं पेट्रोल। वैसे एक बात था, ये जो तुम कर रहे थे ये गलत काम है। अरे भैया वो वहाँ से, हम तो वहीं से चला रहे हैं। नहीं तो तुमको वहाँ से नहीं शुरू करना चाहिए था ना। अब तुम्हारा नहीं चलाया, वो जीरो हो ही नहीं, मैं तो रख दी थी वो जीरो। ऐसे नहीं होता है, आपको तो आइडिया होगा ही ना कि जीरो किए बिना कर रहे थे। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, 150 था, उसके बाद राघव की बाइक में डालना था तो 150 से ही शुरू कर दिया था। 680 हमने इससे पहले डलाया था, 909 का डलाया, 680 का। बढ़िया से पकड़ लेना,
फ्यूल भरा के अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो धीरे धीरे बढ़ाओ। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे सब लोग, रेस्ट कम मस्ती चल रही थी। राघव भाई किधर से यू टर्न? अरे हाँ इधर से लेना। चलो फ्यूल सबकी गाड़ियों में फुल हो चुका है, अब फ्यूल की टेंशन किसी को भी नहीं है। ऋषिकेश में क्या है कि देखो पहाड़ों की फीलिंग भी है और फ्लैट की भी है, तो और ऊपर से ना यहाँ का जो एनवायरनमेंट है जैसे कि रिवर और उसके पीछे साथ में जो राम झूला लक्ष्मण झूला ये सब है, राफ्टिंग है, ये सब चीजों की वजह से ना ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। नॉर्मली पहाड़ों पे क्या है, मुझे ये लगता है, ये फील होता है कि आप पहाड़ों पे घूमने जा सकते हैं बट वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, बट ऋषिकेश ऐसी जगह लगती है कि आप यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। हाँ क्योंकि यहाँ से क्या है दिल्ली और अदर प्लेसेस भी पास में है, अब तो 4 घंटे का डिस्टेंस रह गया दिल्ली यहाँ से, तो इस वजह से ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगी। अभी पहाड़ स्टार्ट होंगे, अब जैसे ही ये ऋषिकेश क्रॉस करोगे पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो आपके अभी राइट में दिखेगा वो है राम झूला, यहाँ से अब दिखेगा देखो ये है राम झूला अपने राइट में, फिर इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर मिलेगा लक्ष्मण झूला। और अगर आप लोगों ने ऋषिकेश वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो ऋषिकेश वाले ब्लॉग देख सकते हो, ये सारे प्लेसेस मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किए हुए हैं, राम झूला लक्ष्मण झूला और परमार्थ घाट की आरती सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर किया, राफ्टिंग वगैरह भी की हुई है, वो सब मिल जाएगा। और ये देखो पहाड़ी डॉग बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। बन गई चाय भैया? यहाँ पे रुके थे हम लोग टी ब्रेक के लिए, टी ब्रेक हो गया, हम लोग अब वहाँ से निकल चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:27। यार बहुत लेट हो गए भाई 6 बजे करीब हम लोग हरिद्वार में थे, 15-20 मिनट का डिस्टेंस था। पता है जब राफ्टिंग का ऑफ सीजन होता है ना तो ये लोग 4-400 में कराते हैं, और जब सीजन आता है ना 2-2 हजार रुपए में कराते हैं राफ्टिंग। और ऋषिकेश से हम लोग ये सोच के निकल रहे हैं कि आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे अननेसेसरी के लिए। वही तो, आप थोड़ा सा ना फ्लो आधे घंटे एक घंटे कंटिन्यू अगर चलाएंगे ना तब उसके बाद मजा आएगा। अभी क्या हो रहा है हम हर 10-15 मिनट में रोक दे रहे हैं। बद्रीनाथ 291, केदारनाथ 223, यही मंजिल है अपनी 223 वाली। इधर से त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भी दिख रहा है, वो रहा त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। यार आप आए हो ऋषिकेश आए हो घूमने? भाई आना एक बार, बहुत अच्छी जगह है, मतलब वीकेंड ट्रिप के हिसाब से बहुत अच्छा है। नहीं नहीं सही है सही है, चलो चलो सीधे चलते रहो भाई, 1 घंटे से पहले कुछ मत रोको, अगर पानी लेना हो तो भी कह दो, जिसको लेना है रुक जाए ले ले और चल दे। हम दोनों देखो आगे चलना है, हम ही दोनों कंटिन्यू आगे चलना पड़ेगा बिना कोई स्टॉपेज के। ये शिवपुरी वाली वो जगह जहाँ से राफ्टिंग कराई जाती है, ये पता है जो पीछे राफ्टिंग हो रही थी ना ये शिवपुरी वाली नहीं है, शिवपुरी वाली आगे से है। ये इसमें क्या है, एक 16 किलोमीटर की है, एक शायद 8 किलोमीटर, सो ये 8 किलोमीटर वाली है। इस तरह के ये जो ब्रिज होते हैं ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो ऐसे ब्रिज हमें बहुत मिलेंगे। श्रीनगर 69 है ना यहाँ से, उससे पहले देवप्रयाग है। भाई लेकिन रोड देखो यार, रोड मतलब इतनी सही बनी हुई है, बस आपको अपनी लेन पकड़ के चलना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कहीं पे भी पत्थर कंकड़ कुछ भी नहीं है। तो रोड तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन आप ये देख रहे हो रोड बनाने के लिए सब कट किया गया है यहाँ पे सारा। होता क्या बरसात में ना यही फिर सारा का सारा लैंडस्लाइड बनता है। और अभी हम जितने भी रास्ते से आ रहे हैं, अभी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू पत्थर जो है रोड पे आके पड़े हुए हैं हर जगह पे। अब जैसे सपोज ये कट करके बनाया है तो यहाँ से ऊपर से पत्थर आके, और वो रेगुलर फॉल होता ही रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए सब पड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन रोड बहुत अच्छी बना दी। इसका एक बेनिफिट भी है कि यहाँ भाई बहुत स्मूथ चल रहे हैं, अच्छी खासी स्पीड में चल रहे हैं, 80-90 की स्पीड में भी हम लोग बीच बीच में चला रहे हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी रोड कंडीशन है। हम लोग आ गए हैं देवप्रयाग में, थोड़ी देर बस फोटो तो खिंचा लेते हैं फिर चलते हैं आगे, वहाँ बैठेंगे चल के। कैसा लग रहा है? मैं बीप नहीं करूंगा अब बताओ कैसा लग रहा है? वो देखो वहाँ पे पूजा हो रही है। देवप्रयाग का व्यू और यहाँ का जो नज़ारे हैं वो एकदम डिफरेंट है यार, बहुत अच्छी प्लेस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। जो ऋषिकेश से यहाँ तक का डिस्टेंस था जस्ट इतना ही डिस्टेंस अभी हमारा बचा हुआ है चोपटा के लिए, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर था, 70-72 के करीब हम यहाँ पे चल के आ चुके हैं। देवप्रयाग 72 के करीब था, अब यहाँ से जाना है, बट उससे पहले थोड़ी देर बैठेंगे रेस्ट करेंगे। एक तरफ अलकनंदा एक तरफ भागीरथी और फिर एक ये मिल के जा रही है गंगा जी बन के। फिलहाल हम लोग काफ़ी पहले आ गए थे, काफ़ी देर से फोटो क्लिक करा रहे थे, और जो हमारे साथ बाकी लोग थे वो अभी काफ़ी पीछे हैं,
हम लोग सोच रहे हैं कि अभी फ़ोटो क्लिक कराने के बाद फिर थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ खाते पीते रेस्ट करते हैं, उनका वेट करते हैं, जब वो लोग आएंगे उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। बट यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। अक्सर मैं इंस्टाग्राम पे इस जगह की फ़ोटो देखता तो मैं सोचता था कि यार एक बार देवप्रयाग ज़रूर जाना है, और यहाँ आने के बाद ना लग रहा है कि मतलब जो मैं सोचता था यहाँ आने के लिए वो वर्थ इट था, कि मतलब हाँ सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ से श्रीनगर है 33 किलोमीटर, यहाँ से हम लोग जाएंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर आगे हम लोग जाएंगे चोपटा के लिए। आज का जो सीन है, अभी तक का जो सीन है वो यही है। फिलहाल हम वेट करेंगे अपनी बाकी टीम का, सारे लोग जब आ जाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, और अभी थोड़ी देर आगे ढाबे पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं। कैसा रहा अभी जो अपना 70 किलोमीटर का स्ट्रेच था? ये हुआ था, जोर्डन भाई कह रहा तो तंग कर दिया जोर्डन भाई को, जोर्डन भाई कह रहा भाई यहाँ तो चलो या रुक जाओ, मतलब तुम यहाँ पे से वापस घर चलो, दबा के एकदम, मतलब 20-25 मिनट हो गए अभी तक इनका कोई पता नहीं चल रहा। एक बार राघव भाई का चैनल आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। से निकलते हैं और वो नीचे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और पीछे भाई लोगों से बात हुई है तो वो क्या है, रुक गए थे, वो कह रहे हैं कि हम खाना खाने लगे थे इसलिए रुक गए, तो कह रहे हैं आप लोग भी कुछ खाओ पियो और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और रोड फुल टाइम हमें ऐसी ही मिली है, मतलब बहुत अच्छी रोड है। और कहा जाता है कि ये सब जो बना गया है, ये बना हुआ है ऑल वेदर रोड जो प्रोजेक्ट है उसके, उसमें बना हुआ है। और बहुत अच्छी रोड मिली है फुल टाइम। और मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि ऐसी ही रोड आपको हर जगह सोनप्रयाग तक मिलेगी, बहुत ही लिमिटेड ऐसे बीच में पैच मिलेंगे जो ख़राब है। अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं, बाइक या कार से आ रहे हैं, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।